वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विज़न एकेडमी तेलीबाग। तो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए टोटल रीजनिंग का जितने भी टॉपिक हैं, 32 टॉपिक्स हैं जो आपका एसएससी, दूसरा यूपी ट्रिपल एससी, तीसरा आपका रेलवेज का कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, चौथा आपका बैंक, नेक्स्ट जो भी आपका सी सेट लेवल तक जो भी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में आते हैं 33 नंबर आपको कवर करने रहते हैं। और साथ में यहाँ पे अगर देखा जाए तो यूपीएसआई और यूपीपी ये मोस्ट फेवरेट होता है, ठीक है, जिसका बोला जाता है कि स्पेशलाइजेशन है हमारे पास। तो ये सब आपको कवर करवाया जाएगा टोटल रीजनिंग में। टोटल आपको 32 टॉपिक्स कराए जाएंगे। 32 टॉपिक्स आपके मोर देन सफिशियंट है फॉर एनी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के लिए 32 टॉपिक्स आपके मोर देन सफिशियंट है, वो आपको करवाया जाएगा। चार सेगमेंट में आपको रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। पहला सेगमेंट आपका होगा पहला सेगमेंट होगा आपका लॉजिकल रीजनिंग का, दूसरा सेगमेंट होगा विजुअल रीजनिंग का। तो पहला सेगमेंट होगा आपका लॉजिकल रीजनिंग, जिसको हिंदी में कहा जाता है तार्किक शक्ति, हिंदी में इसको बोला जाएगा तार्किक शक्ति। दूसरा आपका सेगमेंट होगा एनालिटिकल रीजनिंग, जिसको आप लोग बहुत जगह देखे होंगे बौद्धिक क्षमता कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है तर्क शक्ति। नेक्स्ट आपका होगा क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग को आपने देखा होगा कई जगह लिखा जाता है मानसिक क्षमता। क्रिटिकल रीजनिंग और लास्ट आपका हम पढ़ाएंगे विजुअल रीजनिंग, इसको कहीं कहीं पिक्चर रीजनिंग भी बोला जाता है, विजुअल रीजनिंग भी बोला जाता है और नॉन वर्बल भी बोला जाता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है दृश्यता परीक्षण। ये चार सेगमेंट में आपकी रीजनिंग टोटल कवर की जाएगी। बैंकिंग के लिए ये जरूरी नहीं होता है, बैंकिंग के लिए ये तीनों जरूरी होते हैं। हाँ, बाकियों में ये चारों आते हैं, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी की बात करो, चाहे यूपी पी की बात करो, चाहे यूपीएसआई की बात करो, चाहे रेलवेज की बात करो और चाहे सी सेट की बात करें, चाहे एसएससी की बात करें, आपकी ये चारों रीजनिंग आएंगी। लेकिन बैंकिंग में ये पोर्शन आपका नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया जाएंगे कि कैसे हम टॉपिक वाइज आपको फर्स्ट सेगमेंट की अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, जो आज की डेट में ज़्यादा पूछा जा रहा है, कोई भी आप एग्ज़ाम निकाल लीजिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का इंटरव्यू देख लीजिए। अभी आपने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू देखा होगा जो लास्ट के लास्ट वीक हुआ है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं लॉजिकल रीजनिंग के पूछे गए इंटरव्यू में, तो ये आपके इंटरव्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और स्पेशली जो हमारे पेपर हो रहे हैं इसमें 12 से 15 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं। इसमें आपको टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना होगा, सबसे पहला टॉपिक होगा वेन डायग्राम, हिंदी में बोला जाता है इसको तार्किक आरेख। दूसरा टॉपिक होगा सिलॉगिज्म, हिंदी में बोला जाता है न्याय निगमन। तीसरा टॉपिक होगा आपका एजम्पशन, हिंदी में इसको बोला जाता है पूर्व धारणा या पूर्वानुमान। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका कोर्स ऑफ एक्शन, हिंदी में बोला जाता है कथन एवं कार्यवाही। नेक्स्ट टॉपिक इसका होगा आर्ग्यूमेंट, हिंदी में इसको बोला जाता है तर्क वितर्क। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा एलिजिबिलिटी टेस्ट, हिंदी में बोला जाता है योग्यता परीक्षण। हिंदी में बोला जाता है इसको योग्यता परीक्षण। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा डिसीजन मेकिंग, हिंदी में इसको बोला जाएगा निर्णय क्षमता। नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन, हिंदी में इसको बोला जाएगा कथन एवं निष्कर्ष। ये इतने टॉपिक हम आपको क्लियर करवाएंगे लॉजिकल रीजनिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। जब से ये वीडियो का 2018 का पेपर हुआ है तब से इसने इसको ज़्यादा फोकस कर रखा है, और जितने भी पेपर हो रहे हैं सब में 10 से 15 नंबर के बीच इसके क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन इसके आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग में आपका क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले एनालिटिकल का मतलब समझ लेते हैं, एनालिटिकल मतलब क्वेश्चन को एनालाइज करके आपको फाइनल आंसर देना है। तो एनालिटिकल रीजनिंग
में सबसे पहले आपका आएगा सिटिंग, नेक्स्ट आएगी पजल, नेक्स्ट आएगी इनइक्वालिटी, नेक्स्ट आएगी फिगर काउंटिंग, नेक्स्ट आएगा आपका मैट्रिक्स। तो एनालिटिकल रीजनिंग में हम इतने टाइप के क्वेश्चन पर, इतने टाइप के टॉपिक, इसमें कम टॉपिक होते हैं लेकिन थोड़ा सा लेंदी टॉपिक होते हैं, इसलिए इसको एनालिटिकल रीजनिंग बोला जाता है। जब तक आप फुल फ्लैश क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करेंगे तब तक इसका फाइनल रिजल्ट आपके पास नहीं आएगा, तब तक आप इसका आंसर नहीं दे सकते हो। नेक्स्ट आती है आपकी क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में कहा जाता है मानसिक क्षमता, जो आपको कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना रहता है। कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग मतलब कि जो भी आपने बचपन से पढ़ रखा है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है ब्लड रिलेशन, ये सबको पता होता है, सिर्फ कॉमन सेंस की लैक की वजह से बच्चे इसको नहीं लगा पाते, रक्त संबंध। दूसरा होता है रैंकिंग, तीसरा होता है कोडिंग, नेक्स्ट होगा आपका डायरेक्शन, अगला होगा वर्ड फॉर्मेशन। अभी हिंदी में भी बता रहे हैं बेटा, अगला होगा वर्ड फॉर्मेशन, नेक्स्ट होगा अल्फाबेटिकल सीरीज, और नेक्स्ट होगा एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन। तो इसको हिंदी में रक्त संबंध बोला जाएगा, इसको क्रम निर्धारण बोला जाएगा, इसको सांकेतिक भाषा बोला जाएगा, इसको दिशा एवं दूरी बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा शब्दों की संरचना, इसको बोला जाएगा वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, और इसको बोला जाएगा वर्गीकरण एवं भिन्नता। वर्गीकरण एवं भिन्नता बोला जाता है इसको, जिसमें आपको जीएस की ज्यादा इंपॉर्टेंस लगेगी, आपका कॉमन सेंस के साथ साथ जीएस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। वर्गीकरण और समानता के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपके कॉमन सेंस के साथ साथ जीएस की भी जरूरत पड़ेगी, आपकी जनरल स्टडीज अच्छी होनी चाहिए, आपको चीजों के बारे में पता होना चाहिए, देन यू कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन फ्रॉम एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें पिक्चर रीजनिंग की, तो पिक्चर रीजनिंग में आपका, पिक्चर रीजनिंग की बात करें तो पिक्चर रीजनिंग में आपकी आएंगी पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, कागज को मोड़ना एवं काटना। नेक्स्ट आपका आएगा वाटर एंड मिरर इमेज, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। नेक्स्ट आएगा फिगर क्लासिफिकेशन एंड एनालॉजी, फिगर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आएगा फिगर सीरीज, नेक्स्ट आएगा फिगर कंप्लीशन, नेक्स्ट आपका आएगा इमर्ज फिगर। अभी हिंदी में भी बता रहे हैं बेटा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इमर्ज फिगर। इसका मतलब होता है पेपर को काटना एवं मोड़ना, इसका मतलब होता है जल एवं दर्पण प्रतिबिंब, इसका मतलब होता है फिगर को की भिन्नता, कौन सा फिगर भिन्न है और कौन सा फिगर समान है, इसका होता है फिगर सीरीज। तीन क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, चौथे ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क लगा होगा उस सीरीज को पूरा करने के लिए, उसी प्रोसेस पे आपको कौन सा फिगर फॉलो कर रहा है ये बताना होगा। इसका होता है फिगर कंप्लीशन, आपको आधा फिगर दिया जाएगा, पूरा फिगर करने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। और इसका मतलब होता है इमर्ज फिगर, सन्निहित आकृति, सन्निहित आकृति को आप कह सकते हो कि क्वेश्चन में कुछ कुछ दे दिए जाएंगे, टुकड़े दे दिए जाएंगे, उससे मिलकर कौन सी आकृति बनती है, चार ऑप्शन में आपको छांटना होगा। नेक्स्ट आपका अगर हम बात करें तो मैथमेटिकल रीजनिंग आती है, जो पहले मैथ का पोर्शन हुआ करता था लेकिन अभी हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको बता दें कि मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिकल रीजनिंग में क्लॉक पढ़ना पड़ेगा आपको, घड़ी जिसे हिंदी में कहते हैं, फिर कैलेंडर पढ़ना पड़ेगा जिसे हिंदी में कहते हैं पंचांग, नेक्स्ट आपको एज प्रॉब्लम पढ़नी पड़ेगी,
जिसे कहा जाता है आयु पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट आपको कहा जाएगा मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ने को, जिसको कहा जाता है अंगणितीय तर्क शक्ति। जैसे किसी समूह में इतनी गाय और इतने बतख हैं तो इनके पैरों की संख्या इतनी है, सिरों की संख्या, किसी समारोह में इतने व्यक्ति इतनी बार हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलेगा, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। नेक्स्ट आएगा आपका नंबर सीरीज, नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर। नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर आएगा, और इसके बाद जो एक टॉपिक आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का, इसके बाद भी बहुत सारे चीजें आती हैं, जैसे साइन चेंज होता है, अल्फा को प्लस कहा जाता है, बीटा को माइनस कहा जाता है, इस तरह की कहा जाता है, इस तरह की क्वेश्चन भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिकल रीजनिंग में। तो ये टोटल टॉपिक आपके कवर होंगे, तब आप कोई भी एग्जाम की रीजनिंग को 50 में से आउट ऑफ 48 आप पा सकते हो। हाँ, स्पेशली आपको बता दें नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर हम नहीं पढ़ाते हैं। क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि ये ऑपरेशनल होता है, इसमें आप क्वेश्चन देख के ही निर्धारित कर पाओगे कि इसमें प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई करके प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई करके माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, दैट यू कैन फाइंड आउट आफ्टर सीइंग द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को देखने के बाद, हम आपको नहीं बता सकते कि यूपी ट्रिपल एससी में इस बार मल्टीप्लाई करके वो क्वेश्चन देंगे कि डिवाइड करके, हम इसके आपको टाइप पढ़ा देंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी प्रैक्टिस करा देंगे, क्या लॉजिक वो मैक्सिमम फॉलो करते हैं वो आपको करा देंगे। लेकिन अगर आप कहो कि कोई पेपर में क्या आने वाला है ये बता दीजिए, तो आई एम वेरी मच सॉरी, हम नहीं बता पाएंगे कि पेपर में जो उन्होंने नंबर सीरीज दिया है, मिसिंग नंबर दिया है, या जो भी नंबर्स के क्वेश्चन दिए हैं उन्होंने कौन सा लॉजिक, कौन सा ऑपरेशन लगाया है, दैट आई कांट एक्सप्लेन, क्योंकि मेरे पास कोई दैवीय शक्ति नहीं है। तो इतने टॉपिक आपको किसी भी एग्जाम के लिए कवर करने पड़ेंगे, और आपकी क्लास स्टार्ट होगी मंडे से, भोलेनाथ का दिन होगा, तो कल के लिए वेट कीजिए, कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। बने रहिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारे चैनल का नाम है विजन एकेडमी तेलीबाग, लखनऊ का कोई है, जो अरुण सर ने जो जीएस पढ़ाते हैं आप लोगों को, उन्होंने उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये, तो इसमें रीजनिंग हम आपकी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अपना ख्याल रखें।